baby, let me down slow. जानवर कभी कभार कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं जिन्हें देख ऐसा लगने लगता है मानो इनके अंदर ठरकी इंसान की आत्मा घुस गई हो। और आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही ठरकी जानवरों को देखने वाले हैं जिन्हें देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए जहाँ पर डॉल्फिन का एक ग्रुप पानी में तैर रहा था, तभी इनके वाटर पूल के ग्लास के पास दो गिलहरियां आती है और गिलहरी को देख ये प्यारी सी डॉल्फिन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो जहाँ जहाँ जाती है वो वहाँ वहाँ मुड़ जाती है और बस प्यारी सी मुस्कान के साथ गिलहरी को देखते रहती है। वो इसी तरफ आ रहा है, तू ध्यान मत देना, चल धूप में निकला न कर रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए का मस्त माल मेरी जोड़ी, सोए सोने सा बदन, चांदी सी नजर और रेशम से बाल। लेकिन यार ये नाइंसाफी नहीं होगी, लड़की एक और हम चार मिलजुल कर कोशिश करते हैं, जिसका नसीब अच्छा होगा पटाखा उसे ही मिलेगा। हाँ, बाकी के फूट लेंगे बिना तकरार के। लेकिन इस वीडियो के सामने तो ये क्लिप कुछ भी नहीं, दरअसल इसमें ये दोनों डॉग खुद को बड़ा साबित करने के लिए एक दूसरे के सामने भौंक रहे थे और बाहर खड़ा ये छोटू तो बीच में ग्लास होने का जमकर फायदा उठा रहा था और उछल उछल कर भौंके जा रहा था। लेकिन तभी भोगो करने से छोटू का गला सूख जाता है और वो सामने वाले कुत्ते से कुछ सेकंड्स का वक्त मांगता है और दुकान में आकर पेट भरकर पानी पीता है और फिर बाहर जाकर इस बड़े से डॉग को उंगली करना शुरू कर देता है। दोस्तों जानवरों के अपने इलाके में चाहे कितना भी बड़ा भौकाल क्यों ना हो पर हर जानवर किसी न किसी चीज से तो जरूर डरता है। जैसे यहाँ पर इन जनाब ने अपने घर में कई सारी बिल्लियां पाल रखी थी और कंटेंट के चक्कर में आज ये उनकी पुंगी बजाने वाले थे, तो इन जनाब ने फेक बिल्ली का एक पोस्टर बनाया और दीवार पर लगा दिया और जैसे ही ये बिल्लियां उस घर में एंटर करती है तो इस पोस्टर वाली बिल्ली को देखकर इनकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और ये थर थर कांपने लगती है। चलो भाई जल्दी चलो। ये गलत है। मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। मालिक क्या हुआ? उसने तो चड्डी पहनी है। तो इसमें आपको क्या? लेकिन मैंने नहीं पहनी है। कम से कम दूसरे घर तो चड्डी पहन के आना चाहिए था ना। इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम सूरवीर नहीं हो? ये बराबर बोल रहा है। मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो हदी हो गई क्योंकि इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग गाड़ी से कहीं जा रहे थे तभी उन्हें सड़क किनारे दो जंगली बफेलो दिखाई देते हैं जिन्हें देख गाड़ी में बैठा उनका पिटबुल डॉग गाड़ी से उतर जाता है और गुस्से तो उन भैंसों की तरफ दौड़ लगा देता है। तभी बफेलो उसकी तरफ मुड़ता है और अपने भारी भरकम मुंह से इस छुटकी कुत्ते को उछाल कर ऐसे फेंकता है कि बिना किसी कारण उंगली करने वाले इस कुत्ते की अकल ठिकाने आ जाती है और वो भागता हुआ अपने मालिक के पास चला जाता है। भगवान मत जाओ। अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चला, हट। मरोगे आज, मरोगे। अभी तेरे को फोटो लूं मैं। अब जानवर कितने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं इसका अंदाजा इस वीडियो को देख आपको लग जाएगा। दरअसल यहाँ ये लोग पूल की सफाई कर रहे थे तभी पूल में मौजूद इनका पालतू सी ओटर पूल में गिरा हुआ सामान उठाकर उन्हें देता रहता है और पूल साफ करने में किसी इंसान की तरह उनकी मदद करता रहता है। एक बात बोलूं मालिक, आप बुरा मत मानना। बोल। आप एक नंबर कमीने हो। तो हूँ, मैं हूँ। ये भगवान क्या जुलूम है, सारा काम करूँ मैं, खाए वो। अब आप इस मजेदार फाइट को भी देख लीजिए जिसमें इन दो जिराफों के बीच घमासान लड़ाई चल रही होती है लेकिन इनकी फाइट इंटेंस होने से ज्यादा फनी दिखाई पड़ रही थी। इसका अंदाजा आप इसे देख लगा सकते हैं कि पहले तो एक जिराफ ने दूसरे की गर्दन पर अपनी टांग रख दी और दूसरा जिराफ इस टांग से अपना पीछा छुड़ाने के लिए गोल गोल घूमने लगता है लेकिन काफी देर तक ये दोनों इसी पोजिशन में अटके रहते हैं लेकिन कुछ सेकेंड बाद फिर से इनकी फाइट शुरू होती है। तू मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा, जान के तेरे को कि तू कौन है। अबे तो जान ले समझ ले, नहीं तो तेरा तो गेम बजाना पड़े। कौन है रे? छोड़ रे, अरे मेरा पाइजामा निकलेगा रे यार।
से नहीं करना ये सब। ऑस्ट्रेलिया से आई इस वीडियो को देखिए जिसमें दिख रहा है ये कंगारू एक घर की खिड़की से टीवी में चल रही WWE की फाइट को देख लेता है, जिसके बाद उसे भी दो दो हाथ करने का मन करने लगता है, जिस कारण वो सड़क किनारे चल रहे इस महाशय पर धावा बोल देता है। इस दौरान कटीली तारों के पीछे खड़े कुत्ते इन जनाब को बचाने के लिए उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं। मराठी मार सा जागा हो भवैया, आइए 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 भवैया, मर्डर कर दो उसका पुत्री। जोड़ मेरा कान जोड़, हल्का आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों के बीच 6 मिनट तक एक घमासान युद्ध चलता रहता है और अंततः कंगारू भरपूर आनंद लेने के बाद वहां से भाग खड़ा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक टाइगर बेबी को गाड़ी में बैठाकर जैसे ही जू की तरफ लाया जा रहा था और जैसे ही इसकी एंट्री जू में होती है तो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बड़ा सा पक्षी तेजी से उड़ता हुआ इस बाघ के बच्चे के पास लैंडिंग करता है। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा, हमें छोड़ दो, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। फिर अपनी अकड़ दिखाते हुए धीरे धीरे बाघ की तरफ आगे बढ़ता है और बाघ के बच्चे की हालत खराब करने की खूब कोशिशें करता है, लेकिन ये पक्षी इस बाघ से क्या कहने की कोशिश कर रहा था इस बात का अंदाजा तो हम नहीं लगा पाए, पर आपके हिसाब से इस पक्षी ने बाघ से क्या कहा होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा।